गाइज, आपका गूगल क्रोम ब्राउजर बहुत स्लो ओपन होता है, या आपका गूगल क्रोम ब्राउजर हैंग करता है, या लैग करता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पे थ्री डॉट का जो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्रोम के सेटिंग्स में चले जाना है। क्रोम के सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है, और आपको इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइट डेटा, कैसे इमेज फाइल्स वगैरह, आपको यहाँ पे सभी को चेक मार्क कर आपको यहाँ पे डिलीट डेटा पे क्लिक करके आपको इसे डिलीट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको टॉप टू मेमोरी सेवर का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। इसे टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एनर्जी सेवर का भी ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी टर्न ऑन ही है, और यहाँ पे मेमोरी सेवर यहाँ पे टर्न ऑन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, स्टैंडर्ड प्री लोडिंग को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क किया हुआ ही है मेरे सिस्टम में, मेरे क्रोम में। अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके क्रोम के बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कोई भी बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह अगर आपके यहाँ पर रनिंग हो रहे हैं, जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं क्रोम ब्राउजर में वो ऑटोमेटिकली रन करने लग जाते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो ज़रा स्लो वर्क करता है या स्लो ओपन होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑफ करना है, और यहाँ पर आपको यूज़ ग्राफिक्स एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन ही रखना है। अगर आप बाय द वे आपका ये टर्न ऑफ रहता है, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। इसे टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एक्सटेंशन वगैरह आपके यहाँ पे लगा हुआ रहता है, बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो आप यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है गूगल डॉक का, और आप चाहे तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे रिमूव भी कर दीजिए जो एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो और आपको यहाँ पे अवॉर्ड क्रोम पे जाना है। अवॉर्ड क्रोम पे जाते ही साथ आपके यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे ये अप टू डेट नहीं हो रहा है, और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये अप टू डेट ही है, जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 126 का, वो यहाँ पे अप टू डेट ही है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अपडेट नहीं होता है और आपके यहाँ पे ओल्ड वर्जन रहता है और इस तरह का कुछ एरर आपको यहाँ पे शो होता है अपडेट करने टाइम, तो आप यहाँ पे एक बार रीसेट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे रीसेट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो क्रोम है वो आपके यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद अब आप यहाँ पे जाओगे अबाउट क्रोम पे, तो आपके यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपके क्रोम में आता है तो अपडेट करने के दौरान, और इन सभी को करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है, और एक बार आपको अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जो सिस्टम में आपका विंडोज़ है उसे फुल्ली आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका क्रोम ब्राउजर का जो स्पीड है वो पहले के मुकाबले आपके यहाँ पर फास्ट हो जाएगा, और आपके यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पर फास्टली तरीके से आपके यहाँ पर ओपन भी होगा और आपके यहाँ पर क्लोज भी होगा फास्टली तरीके से। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।